लोगों को रिकमेंड करेंगे कि नहीं? हाईली रिकमेंड करूंगा। रजा भाई अभी तक खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खा रहे हो, मजे का है तो खा रहा। और स्पेशली ये गेट टुगेदर खाने से भी ज्यादा हम इस बिजनेस का। क्या बात, असलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ETR। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज बहुत अरसे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं उसामा भाई। बजाते खुद आए हैं, बड़े अरसे बाद इकट्ठे हुए हैं। बहुत से लोग कह रहे थे यार क्या रीज़न बनी है कि आप दोनों साथ में वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन ऐसी कोई रीज़न नहीं थी, बस मसरूफियात थी दोनों की बहुत ज़्यादा। तो फिर अब हम बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हम कहाँ पर आए हैं? असली गनी शनवारी। इनकी दो ब्रांचें, एक बेदियां रोड वाली है और एक ट्रक अड्डे वाली। हम इस वक्त आए हैं बेदियां रोड पे। अड्डे का ब्लॉग आप लोगों ने रमज़ान की हमारी वीडियो में देख लिया होगा। आज हम रमज़ान के बाद आए हैं, ईद गुजर चुकी है, दो हफ्ते गुजर चुके हैं, तो कुछ लोगों की ऑफिस में प्रमोशन हुई थी, तो उस वजह से उनसे हम दावत ले रहे हैं और टिका के बिल बनाएंगे और देखें क्या क्या चीज़ें हम खाते हैं। तो आपको हम व्यू करते हैं, अंदर का भी आपको एटमोसफियर दिखाते हैं और देखते हैं कि कुकिंग स्टेशन कैसे हैं उनके और कटिंग सेक्शन कैसा है। आइए हम आपको अंदर का सारा दिखाते हैं हम लोग। ये जी इनका इंडोर सेटअप भी है, तो मैं आपको सरसरी सा दिखाता हूँ। ये कई लोग कहते हैं कि इहदा जायका तो कोई 10% घट है, एक ही शाय है। चला नहीं आया, उसका तो बुरा हाल हो गया।
आज हमने गनी शिनवारी पे क्या क्या ऑर्डर किया है? ऑर्डर का तो शाम भाई बता सकते हैं, मुझे डिटेल नहीं पता। भाई जान हमने लिया है, रोज लिया है दस्ती का, ठीक है, और साथ थोड़ा सा बीच में पोर्शन सीने का डलवाया है। अच्छा। और दूसरा हमने लिया कढ़ाई ली है, उसमें गर्दन है और उसमें भी दस्ती का पोर्शन, और इसके अलावा जायके के लिए एक हमारे रोज़ेदार आदमी है, उन्होंने कीमा खाना था तो उनके लिए हमने कीमा डलवाया, तो वो थोड़ा सा है। और बाकी देखें 8 बजे तक खाना आएगा, तो 2 घंटे का टाइम है, वेटिंग टाइम चल रही है। कैसा लगा भाई? बहुत ज्यादा। क्या हाल लगा? रोश रोश। कीमा भी खाओ। ये सब भी गर्मा नहीं है, कढ़ाई और कीमा कमाल, बहुत कमाल। ये देखते हैं सारे लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। क्या बोला है, क्या बात सर, दही वाला लुकमा। तुम ही कुछ खांदे दिखा दे, प्लेट सारी तेरी भरी हुई जी। साम भाई रिव्यू दें अपना खाने के बारे में। बहुत मज़ेदार खाना था, बहुत मज़ेदार खाना था, और कढ़ाई तो खीर थी। हमने जो कीमा कम मंगाया लेकिन हाँ। शायद क्योंकि हमने लास्ट टाइम जहाँ पे खाया था, यानी कि जो पहली ब्रांच है ट्रक कटे वाली, उसमें हाँ। जो है ना वो इतना मज़ेदार नहीं था, लेकिन यहाँ पे मज़ेदार लगा। अच्छा। रोश उससे थोड़ा सा कम, रोश उनका मज़े का था लेकिन बेहतरीन था। देखे नहीं कावा इनका पेश करने का भी, ये कावा देखने ही आ गया। ये है इनका डिस्प्ले, स्पेशल तैयार हो गया ये बाबा जी। हाँ जी, कैसा लगा खाना भाई? यार इनकी कढ़ाई और जो कीमा था वो तो बहुत ज़बरदस्त था, और रोश भी अच्छा था, लेकिन कढ़ाई और कीमे का मुकाबला नहीं था, बहुत ज़बरदस्त था। टेस्ट भी अच्छा था, स्पाइसेस भी बैलेंस। लोगों को रिकमेंड करेंगे कि नहीं? हाईली रिकमेंड करूँगा, बल्कि इनकी जो मेन ब्रांच है उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट था। तो रजा भाई अभी तक खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खा रहे हूँ, मज़े का है तो खा रहा है, मज़े का खा रहा है। तीनों चीज़ें अच्छी थी, रोश कीमा कढ़ाई सबसे अच्छा, कीमा कीमा आउट क्लास। सर जी आपको कैसा लगा? जबरदस्त, और सर एम्बियंस कैसा है?
लोगों का रश हो गया है, टाइम भी हो रहा है और लेट भी है। बिल्कुल साग साहब बहुत अच्छा है यार, दही और कीमा ज़्यादा अच्छा था रोशनी निस्बत। अच्छा लेकिन बहुत अच्छा तीनों चीज़ें बहुत अच्छी। थैंक यू। हाँ सर, कावा सर वो हो रहा है, ये कावा है इनका। अच्छा इंशाल्लाह साथ गुड़ है, गुड़ पकड़ो ना भाई, मुंह में डालो पता चले प्रॉपर। इमरान साहब सर वेरी गुड सर, बहुत अच्छे सर, आपका शुक्रिया आपने हमें दावत पे बुलाया। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। और हमें मजा आया, मुझे तो ये जो ना रायता भी बहुत अच्छा लगा था। यार साहब एज यूजुअल कोई अच्छा कमेंट देंगे? और कीमा एज यूजुअल अच्छा था, और अगर आप कंपैरिजन करें वहाँ से तो यहाँ ये एनवायरनमेंट बड़ा शानदार है और इट इज मच बेटर प्लेस देन ट्रक अड्डा शिनवारी। सर जी आप क्या कहेंगे खाने के बारे में? डेफिनेटली जी खाना बहुत मज़े का था। तो पहले तो सर आपका शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और खाना वाकई बड़ा मज़े का था, इसमें कोई शक नहीं है। एनवायरनमेंट बड़ा ज़बरदस्त था, और स्पेशली ये गेट टुगेदर खाने से भी ज़्यादा हम इसको मिस करते हैं, ज़्यादा ले। अकबर भाई आप क्या कहेंगे? अजन हम जरा इधर उधर विजिट के चक्कर में थे, बट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गणेश शनवारी और सबके साथ बहुत मज़ा आया। स्पेशली कढ़ाई बड़ी मज़ेदार थी, कीमा भी मज़ेदार था, और एवरीथिंग बहुत मज़ा आया। ये मीठे पानों का रेट दिया है जाफर भाई ने। जाफर भाई आपने खिलाए मीठे पान? ये मीठे पान जाफर साहब की तरफ से है स्पेशली, शुक्रिया का नोटिस दिया, टोकन दिया इन्होंने मोहब्बत। ये रोल करना है पूरा, मुंह खोलना है पूरा, इधर दिखाओ जी। मीठा पान तो बहुत ही मजे का था, इसके लिए हम जाफर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे, तो हमें टेबल खाली करना था अपना, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ही आपने वीडियो के शुरू में देखा था जब हम यहाँ पहुँचे थे तकरीबन 5:30 पे, तब तो बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ था, और इनके पहले कस्टमर भी हम ही थे, पहला ऑर्डर हमारा ही था। लेकिन अब आप देखें 8:30 हो गए हैं इस वक्त, और रश आप देखें कि लोग वेटिंग में खड़े हुए हैं, इसीलिए हम खाना खा के हमने भी जल्दी अपनी जगह खाली कर दी ताकि जो वेटिंग में उनको भी जगह मिले। अभी आप देखें ये सारे लोग ये खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि जगह मिले और हम बैठें, ठीक है। ये मैं आपको सारी तरफ से दिखा रहा हूँ, ये देखें वो सामने रश देखें, ये देखें ये फैमिली भी वेट कर रही है, और अभी लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है वो दो दो घंटे बाद उनका ऑर्डर आएगा, और अभी हम आपको बाहर जा कर जब दिखाएँगे तो बाहर अभी लोग गाड़ियों में बैठ के भी वेट कर रहे हैं, मतलब इस कदर यहाँ पे रश भर गया था। ये देखें जब हम आए थे तो यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी खड़ी हुई थी और एक हमारी थी, मेरा ख्याल है वो भी इनके स्टाफ की थी, और अब देखें कि गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिल रही कि गाड़ी खड़ी कहाँ पे करें। ये हम खाना खा के अब गपशप लगा रहे हैं, देख रहे हैं गपशप हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारी गाड़ी फंसी हुई है गाड़ियों में और उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही, वो देखें। तो हम वेट कर रहे हैं कि कोई जाए कोई आए और हमारी गाड़ी को जगह मिले जाने के लिए। देखें जी चाइनीज़ भी आए हुए हैं यहाँ पर खाना खाने, चाइनीज़ की पूरी फैमिली आई हुई थी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।